दोस्तों एक चौंकाने वाली न्यूज निकल के सामने आई है। बेसिकली इंडियन रेलवे को एक लेटर मिला है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपको उड़ीसा में भयानक रेल एक्सीडेंट देखने को मिला था, वैसा ही भयानक रेल एक्सीडेंट आपको जुलाई के महीने में भी देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस लेटर के मिलने के बाद ही इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे सेक्टर के सभी जोन पर रेड अलर्ट को इशू कर दिया गया है। अब दोस्तों ये पता नहीं चल पाया है कि ये लेटर किसने भेजा है, लेकिन इस लेटर में लिखा है कि जो आपको बालासोर में रेल एक्सीडेंट देखने को मिला था, इसी प्रकार का एक्सीडेंट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये लेटर सिकंदराबाद डिवीजन के डिवीजन रेलवे मैनेजर को लिखा गया है। और ये जो सिकंदराबाद डिवीजन है वो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। इसके अलावा इस लेटर के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि ये भयानक एक्सीडेंट आपको हैदराबाद और दिल्ली के बीच के रूट पर देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लेटर 30 जून को सिकंदराबाद डिवीजन को मिला था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बालासोर रेल एक्सीडेंट में लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि ये एक प्रकार का मजाक भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा अब अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कारण रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF को भी अलर्ट रहने को बोला गया है और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि GRP यूनिट को भी अलर्ट कर दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बालासोर में भयानक एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर ऑलरेडी CBI की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जो ये लेटर मिला है उसको लेकर भी अब इन्वेस्टिगेशन की जाने वाली है। और इस लेटर मिलने के बाद जो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो बालासोर एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था उसके अंदर हमें सिग्नलिंग सिस्टम या फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ मिली थी। इसी कारण अब लेटर मिलने के बाद सिग्नलिंग सिस्टम पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।